विश्वविख्यात श्री राम कथावाचक महान संत मुरारी बापू ने कहा कि राम मंदिर प्रत्येक भारतीय की आस्था का विषय है, इसलिए भारतीयों के सम्मान में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। संत मुरारी बापू गुरुवार को कुसमी स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यात्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज परिस्थिति बदली है, लोगों का अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ा है। संत मुरारी बापू ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का आखिरी विकल्प नहीं है। युद्ध से लाखों बेगुनाहों की जिंदगी गंवानी पड़ती है, इसलिए किसी भी दशा में युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग रामराज की तरफ एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, राम भगवान है, राम व्यक्ति है, राम एक विचार है, राम वैराग्य है, राम विवेक है, राम पंच तत्व है, इसलिए हमें राम के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सुप्रसिद्ध रामकथा वाचक संत मुरारी बापू ने कहा, मैंने बीच में कथा में भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, हर अखबार में पढ़ता हूँ सुबह सुबह, तो जो मैं बोल रहा हूँ, जिस संदर्भ में बोल रहा हूँ, पूर्वापर संबंध से बोल रहा हूँ, इन सब का विवेकपूर्ण ध्यान रखते हुए आप राम कथा का संवाद घर घर तक पहुँचा रहे हैं, ये मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। क्योंकि देश विदेश में मुझे मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, बहुत अच्छे अनुभव हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी अनुभव हुए, लेकिन गोरखनाथ की भूमि में आप जिस रूप में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, इससे मेरी व्यासपीठ विशेष प्रसन्न है। क्योंकि मैं तो पंडाल में बोलता हूँ, जितने लोग आए सुनते हैं, घर में टीवी पर देखते होंगे और लाइव टेलीकास्ट के जरिए दुनिया भी देखती होगी, लेकिन अखबार के माध्यम से एक छोटे से छोटे झोंपड़े तक ये बात पहुँचती है। तो मुझे लगता है कि मेरे इस प्रेम यज्ञ में आप सबकी आहुति है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बहुत पीछे जाए तो पूरा आर्यावर्त भारतवर्ष के रूप में जाना गया था, फिर तो सब विभाजन होता चला, लेकिन कम से कम सौ दो सौ साल के पहले जो भारत रहा, जिसमें कैलाश भी आ जाए और कई मुल्क आ जाए, जो किसी न किसी कारण से आज हमारे पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो भाग हमारे पास नहीं है और वो अखंड भारत में मिल जाए, ये न्यायोचित है यदि, तो मेरी दृष्टि में ये होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अध्यात्म विफल होता जा रहा है। मैं मेरा अनुभव साठ साल का, तो मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर भी रहा, और 100% से 35 मार्क्स यदि छात्र को दिया जाए तो पास माना जाए, यदि 30 आ जाए तो 5 कृपा गुण हम दे देते थे तो पास। मैं मानता हूँ कि मेरी यात्रा में मैंने जो देखा, वो राम कथा या तो कोई भी व्यासपीठ या तो कोई भी मंच से, जहाँ अध्यात्म की, और अध्यात्म का मेरा अर्थ है सत्य प्रेम करुणा, इसका संवाद होता, उसमें मुझे लगता है कि 60% कामयाबी मिलती। यस, और मैं विशेष प्रसन्नता की बात है कि युवानी बहुत आगे आ रही है, और क्या है कि ये जो अध्यात्म के द्वारा जो बात जाती है वो कम जाती है, लेकिन सनसनी खेज वाली जो आती है कि यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ कुछ ये हो गया, तो फट फट, और मीडिया में भी वही 24 घंटे तक चलती है। लेकिन तुलना में देखें तो धर्म और विज्ञान का संयुक्त जो मैसेज है बहुत ज़्यादा। इस देश के सभी
अब कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई बौद्ध है, कोई जैनी है, जो भी हो, ठीक है। लेकिन पहले तो हमें ये बहुत प्रमाणिकता से सोचना चाहिए और स्वीकारना चाहिए कि हम भारतीय हैं, भारत में रहने वाला, बाकी कास्ट बास्ट बाद में है, पहले हम भारतीय। तो हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि हमारे आध्यात्मिक स्थान है वो होना चाहिए। तो हमारी सबकी, पूरे हिंदुस्तान की आस्था जुड़ी है उसके साथ, तो हर भारतीय, इसमें इस्लाम भी आ जाता है। देखो, हम किसी नाम का चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सबको संत कहना जरा मुश्किल बात है। ये श्रद्धा का देश है, भोला देश है, वेश को भी हम कुछ न कुछ मान लेते हैं, मीठी बोली में भी हम मान लेते हैं कि, लेकिन साधु वेश से नहीं होता, वृत्ति से होता। तो ऐसी घटनाएं जो बनती रहती है इतने बड़े देश में, तो ये साधुता का परिचय नहीं है मेरी। मैं दांडी में कथा कह रहा था, गांधी बापू ने जहाँ नमक सत्याग्रह किया गुजरात में, तो दांडी में कथा थी, और एक मुस्लिम आगे बना है। मैं एक रात को मुस्लिमों के घर भिक्षा लेने भी गया था, तो मैंने गंगा जल दिया, नए पात्र लाए, और उसमें से मेरी रोटी भी बनाई, मैंने भिक्षा भी ली। तो एक दो चार मुस्लिम भाई आए, जैसे कल व्यासपीठ पर कुछ लोग आए थे, बड़े आदर के साथ तो आए थे। इसमें एक ने एकदम अपना निकाल दिया और कहा कि मुझे राम लिख दो। तो मैंने माइक से कहा था कि यदि आप लिखवाना चाहते हो तो मैं राम नहीं लिखूंगा, अल्लाह लिखूंगा, खुदा लिखूंगा। और कल भी मैंने वहाँ जो मुस्लिम भाई आरती, तो मैंने लिख कर दिया था कि भाई उसको एतराज़ हो तो ज़बरदस्ती आरती मत करवाना, क्योंकि इनके धर्मगुरु उसको गुस्सा करेंगे कि तुम वहाँ, उसने राम नाम ये सम्मान। मैंने कहा कि सामाजिक और राष्ट्रीय बातें और हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से युद्ध कोई आखिरी उपाय है ही नहीं। शताब्दियों से देख लो, एक दो दिमाग खराब सत्ताधीशों को हो गया, चाहे हिटलर हो कि कोई नाजी हो कि कोई भी हो, एक आदमी के दिमाग के विपरीत होने से लाखों लोग मरते हैं। क्या ये उकेल है समाज का? ये कोई जवाब नहीं। जरूरत होती है, मानो जैसे आपने कहा कि चारों ओर से ऐसा वातावरण हो, तो मैं कहता हूँ शस्त्र उठे तो भी शास्त्र की छाया में उठना चाहिए। मुझे तो लगता है मैं एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं प्रेम राज्य की ओर, विस्तृत अवधारणा। मैंने कहा कि राम व्यक्ति तो है ही, हमारे ईश्वर है, निराकार से साकार हुई, इस श्रद्धा को कोई हटा नहीं, लेकिन राम एक विचार भी है, राम एक वृत्ति का नाम है, राम एक विवेक का नाम है, राम एक वैराग्य का नाम है, राम एक आदर्श का नाम है। राम को के पंच तत्व की बॉडी में उसको हम सीमित नहीं कर सकते, ये वैश्विक विचार है राम। तो राम एक फ्रेम में मढ़ा नहीं जाए, ना ना, मैं राजनीति से सब दुनिया वाले सब सत्ता की, मैं सबसे डिस्टेंस किए, मेरे पास व्यासपीठ है राजगादी, अरे ऑफर आई भी है, मैं भी व्यासपीठ छोड़कर कोई राजगादी पर जाएगा क्या? ये घाटे का सौदा कौन करे? और राजपीठ सदैव करप्ट होती है, डिस्टर्ब भी होती है, ना ना ना, ऐसे कोई मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता मेरे साथ ऑफर आई। बाबू, तमाम कथाएँ हैं, गीता कहते हैं, भगवद्गीता कथा होता है, अब राम कथा है। एक तो हमारे खानदान में ये गंगा उतरी है, तो गंगा को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ यार? जो प्रवाह, जो धारा है, और मेरी राम कथा जड़ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि परंपरा सदैव प्रवाहित होनी चाहिए, और मेरी गंगा कैनाल में नहीं बहती, उमड़ती जमती हाड़ मोड़ पर छूती हुई जा रही, क्योंकि राम कृष्ण को हम कैसे जुदा कर सकते, शिव को हम कैसे विलग कर सकते, जगदम्बा को कैसे विलग कर सकते। तो ये तो जैसे चतुर नाम वपु, एक भिन्न भिन्न नाम है, एक ही तत्व है, तो वो तो आ ही जाएगा। अब देखो, अगल बगल की भी कई समस्याएं हैं, अंदरूनी भी कई समस्याएं हैं, लेकिन देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम आता जाएगा धीरे 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 धीरे। कथा में कुछ बिना नाम लिए राजनीतिक दलों के कटाक्ष करते हैं? नहीं नहीं, ये सब मेरे प्रिय हैं,
सब मेरे अपना ही। तो मुझे एक दाखला बताओ कि चुनाव के बाद कोई माई का लाल मंदिर गया। तो ये तो ठीक नहीं। ये तो एक स्वार्थ परायणता है। न जाए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, न जाए तो न जाए, सब स्वतंत्र। लेकिन खास मौके पर आप कुछ ऐसा करें और फिर कौन राम, कौन कृष्ण, कौन संगम, कौन फैला, तो ये ठीक नहीं ना सबके लिए। पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, पुरुषोत्तम उत्तम मान लीजिएगा। तो आज की यह पीढ़ी को क्या राम के आदर्शों पे चलने की जरूरत है? राम के सत्य, राम के प्रेम और राम की करुणा पर चलना ही चाहिए, और कोई मजहब इसका मना नहीं कर सकता। कोई राम नाम न ले तो मुझे कोई चिंता नहीं, कोई अपनी पूजा में राम की मूर्ति न रखे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई राम कथा न सुने तो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राम का सत्य, राम का प्रेम और राम की करुणा, इसका कोई रहस्य नहीं है। थोड़ा राज को राज रहने दो। ना गंगा के लिए मैं स्वयं बहुत समय से चिंतित हूँ, बहुत चिंतित। मैं अक्सर पूछा, देखो ये बनारस से हमारे सतुआ बाबा आए कि किसान, मैं पहले खबर पूछता हूँ इनके परिवार के, गंगा जी कैसी बह रही, गंगा जी की क्या स्थिति है। तो गंगा के कदम उठाए भी जा रहे हैं। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री के समय में भी योजना बनी थी, रात बनी थी, लेकिन जितना परिणाम आना चाहिए अभी नहीं आ रहा, लेकिन इस रास्ते पर सब जा तो रहा है, वही करना पड़ेगा।